हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो बहुत दिनों से फेस कैम वीडियोस शूट नहीं कर रहा, लेकिन आपसे फेस कैम वीडियोस देने की कोशिश करता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो पर बात करेंगे मोटोरोला के बारे में। मोटोरोला का दो स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, क्योंकि मोटोरोला ने अनाउंस कर दिया है और एक स्मार्टफोन तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है यूरोपियन मार्केट के अंदर। तो आज की इस वीडियो पर इसी बारे में चर्चा करने वाला है। तो मोटोरोला का जो सीन है ना, वो ऐसा हो गया है कि हर महीने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करना है, और अभी मुझे लग रहा है कि सितंबर महीने के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि है मोटो जी 35 और मोटो जी 55। तो दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन काफ़ी कलरफुल ऑप्शन के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में दोनों फ़ोन के बैक में लेदर बैक फिनिश दिया गया है, वीगन लेदर बैक फिनिश, तो प्रीमियम टच आपको दिया गया है बजट के अंदर। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फ़ोन के अंदर सेम डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, पंचोल डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन डिस्प्ले के साइज़ के अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मोटो जी 55 के अंदर 6.49 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मोटो जी 35 के अंदर 6.79 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो जिसको बड़ा डिस्प्ले चाहिए उसके लिए मोटो जी 35 बेटर होने वाला है। दोनों फ़ोन के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और अच्छे खासे ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन हो सकता है, क्योंकि मोटोरोला के अभी के जो फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो डिस्प्ले ठीक ठाक है बजट के हिसाब से। और अगर चिपसेट की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटो जी 55 के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। और मोटो जी 35 की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिसॉक का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, यूनिसॉक T760, जो कि ठीक ठाक एक प्रोसेसर है। बजट के अंदर अच्छे खासा परफॉर्मेंस निकल के दे देता है बजट में। दोनों फ़ोन के अंदर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिलेगा। रैम वेरिएंट की बात करते हैं, मोटो जी 55 के अंदर 4GB का रैम ऑप्शन, साथ ही में 8GB का और 12GB का रैम ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 128GB का एक वेरिएंट होने वाला है, साथ ही में 256GB का एक वेरिएंट होने वाला है। मोटो जी 35 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिल सकता है, 4GB प्लस 128GB और 4GB प्लस 256GB। लीक्स के मुताबिक यही निकल के आया है, मेरे हिसाब से 6GB प्लस 128GB एक हो सकता है। तो जिस प्राइस रेंज के अंदर ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, परफॉर्मेंस आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिलेगा। बैटरी की अगर बात करते हैं तो पर दोनों फ़ोन के अंदर 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगा। मोटो जी 55 के अंदर 33W का चार्जर होने वाला है, लेकिन मोटो जी 35 के अंदर 18W का चार्जर होने वाला है, क्योंकि मोटो जी 35 थोड़ा सा सस्ता फ़ोन होने वाला है। कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फ़ोन के रियर में ही डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 50MP का मेन सेंसर, साथ ही में 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस, और दोनों ही फ़ोन में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन मोटो जी 55 के अंदर OIS देखने के लिए मिलेगा, और मोटो जी 35 के अंदर OIS देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कैमरे के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन आपको अच्छे ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी बजट के अंदर जितने भी मोटोरोला के फ़ोन्स हैं उनके कैमरास अच्छे ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और कुछ बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 14 देखने के लिए मिलेगा, और इस बार आपको हेलो UI देखने के लिए मिलेगा लीक्स के मुताबिक, और यहाँ पर 1 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हो सकता है। अगर 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दोनों फ़ोन के अंदर डुअल स्पीकर होने वाला है डॉल्बी एटमॉस के सर्टिफिकेशन के साथ, ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन, टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और हाइब्रिड सिम स्लॉट होने वाला है। लॉन्च डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन सितंबर महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटो जी 35 जो स्मार्टफोन है, ये लीक्स के मुताबिक इसका जो प्राइस होने वाला है 10,000 के आसपास इसका प्राइस होने वाला है। कार्ट ऑफर के साथ अगर 9,000 के अंदर मिलता है तो ज़्यादा बेहतर स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मोटोरोला के स्मार्टफोन 11,000 के अंदर अवेलेबल है। और अगर मोटो जी 55 की बात करते हैं तो ये जो स्मार्टफोन है आपको 13-14,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। जो स्पेसिफिकेशन है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मोटो जी 64 देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 1000mAh ज़्यादा बैटरी देखने के लिए मिलते हैं, मतलब मोटो जी 64 के अंदर 6000mAh की बैटरी दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए ये जो स्मार्टफोन है 13-14,000 के आसपास लॉन्च होना चाहिए, अगर उससे ऊपर जाता है तो कोई भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ऑलरेडी मोटोरोला के स्मार्टफोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ अवेलेबल है। अगर प्राइसिंग कम होता है तो मेरे हिसाब से सही स्मार्टफोन होने वाला है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।